मामा का भी गणेश जी से पंगा हो गया था। रात का समय था, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर चांदी बिखरी हुई थी। चलो जल्दी चलो, मूर्ख मूषक गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? ये सर्प अचानक मार्ग में आ गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं जरा जल्दी में था। मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। अच्छा, अब तू ही इनको संभाल के रख। अब कहाँ भागेगा? प्रभु प्रभु, जरा संभाल कर बांधिए, लगती है। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाता है दुष्ट चंद्रमा। जा, तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है नष्ट हो जाएगी। प्रभु, तू अपनी चांदी नहीं बिखेर सकेगा। जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा। नहीं, नहीं। क्षमा करें प्रभु, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा। मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें। ये काला मुंह लेकर मैं कैसे जीऊंगा? आपका हृदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। मेरी चमक मुझे वापस लौटा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयं देवता हैं। किसी की शारीरिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, चांद की चांदी नहीं रहेगी तो रात्रि का क्या आनंद। क्षमा करें चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लौट आएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदी से वंचित नहीं होंगे।